बांद्रा में हुई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस अधिकारियों ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशांत सिद्दीकी से मुलाकात की है। पुलिस जिशांत सिद्दीकी का बयान दर्ज कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी के परिवार से जानना चाहती है कि क्या कोई था जिसके बाबा को जिससे जान का खतरा हो सकता था। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि क्या कोई SRA प्रोजेक्ट को लेकर के बात इतनी आगे बढ़ी हो कि हो सकता है कोई बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी निकाल दे। NCP नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस को लेकर के रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की मर्डर की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई ने गुरमेल बलजीत सिंह धर्मराज राजेश कश्यप को दी थी, लेकिन उसके गुर्गे रोजाना इस केस में नए नए खुलासे कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के प्लान की साजिश 3 महीने पहले ही रची गई, जिसके लिए आरोपियों ने कई बार बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर रेकी की। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले रची गई। आरोपियों ने कई बार बिना हथियार के बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की। पूरी प्लानिंग पुणे में हुई, लेकिन अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूट्यूब की भी एंट्री हो गई है। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप ने यूट्यूब से शूटिंग सीखी, मुंबई में बिना मैगजीन के शूटिंग का अभ्यास किया। शूटरों ने प्रैक्टिस के लिए कुर्ला में किराए पर एक घर लिया। 12 अक्टूबर की रात बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर के हत्या हुई है। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के बांद्रा में बने दफ्तर में मौजूद थे और ऑफिस से बाहर निकलते ही उन पर 6 गोलियां चलाई गई। मुंबई पुलिस के 3 खुलासे, 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। 4th आरोपी हरीश बालकराम बिचौलिया था। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण और फरार आरोपी शुभम लोनकर ने गिरफ्तार शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को 2 लाख रुपये दिए। ये पैसे हरीश बालकराम के जरिए पहुँचाए गए। हरीश प्रवीण और शुभम का चचेरा भाई है। पैसों के साथ शूटरों को 2 मोबाइल फोन भी मुहैया करवाए गए। हरीश बालकराम पिछले 9 सालों से पुणे में रह रहा है। आरोपी चैटिंग के लिए स्नैपचैट ऐप और कॉल करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे। बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए आरोपियों को बाबा की फोटो दी गई। घटना से 25 दिन पहले घर और ऑफिस की रेकी की गई। क्राइम ब्रांच ने एक काला बैग भी बरामद किया, जिसमें 7.62 mm की बंदूक मिली है। बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी के लिए इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 7 किरदार हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की पूरी प्लानिंग रची। इन्हीं 7 आरोपियों ने आपस में अपना अपना काम बांटा और फिर वारदात को अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी मर्डर के 7 किरदार हरीश बालकराम बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, धर्मराज राजेश कश्यप बहराइच उत्तर प्रदेश का, शिव कुमार गौतम बहराइच का ही है, जिशान अख्तर जलंधर पंजाब का है, गुरमेल सिंह कैथल हरियाणा, शुभम लोनकर अटोक महाराष्ट्र का, प्रवीण लोनकर अटोक महाराष्ट्र का। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। बाकी के 3 आरोपी की तलाश में मुंबई पुलिस ने कई टीमें गठित की है, जो कि आरोपियों की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। अब तक 4 आरोपी पकड़े गए हैं। हरीश बालकराम उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है, पुणे के में वाड्रे इलाके में स्क्रैप डीलर ये था। गुरमेल बलजीत सिंह हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, भाई के दोस्त की हत्या का दोषी है। जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस के गुर्गे के बुलाने पर वो मुंबई पहुंचा। घर से 6 महीने से कोई संपर्क नहीं है। धर्मराज राजेश कश्यप उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है, पकड़े जाने पर खुद को नाबालिग बताया था। बोन टेस्ट में उसका झूठ पकड़ा गया। प्रवीण लोनकर भाई शुभम के साथ पुणे के बारजे में डेयरी चलाता है। प्रवीण ने 3 में से 2 शूटर्स को भर्ती किया था। प्रवीण ने गौतम और धर्मराज को कुर्ला में किराए का कमरा और फिर बाइक अरेंज करवाई। शुभम लोनकर और प्रवीण दोनों चचेरे भाई हैं। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं जबकि 3 अन्य फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें अभी गठित की गई हैं। पुलिस ने बताया कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 15 से अधिक लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनमें से घटना के समय मौजूद कई चश्मदीद गवाह भी शामिल हैं। वही हमलावरों ने दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में इस समय बंद है। हत्या के लिए ये सब मुंबई सिर्फ 1.5 महीने पहले ही आए थे।